हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव पार्ट 1, इसका मेरा पहला हेडिंग है विद्युत विभव। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? ठीक है, किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है ना, कोई भी एकांक धन परीक्षण आवेश है, चलिए पहले इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है ना, एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया लाने में किए गए किए गए कार्य को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है ना, माना परीक्षण आवेश धन क्यू नाट को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने पर किया गया कार्य W है तो। अब देखो क्या है, मान लो ये मेरा आवेश है, जिसके कारण ये अपने चारों तरफ, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ये अपने चारों तरफ इस विद्युत क्षेत्र को स्थापित करेगा, ये वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी। मान लेते हैं यहाँ अनंत पर प्लस क्यू नॉट, ये हमारा परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्जर जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब टेस्ट चार्जर क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? ये बहुत ही छोटा धनावेशित होता है, इसका अपना कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, बट ये क्या करता है, ये वैद्युत बल को एक्सपीरियंस करता है, उसके इंटेंसिटी को एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है, पता चलता है किस पर इस वैद्युत क्षेत्र के कारण उसकी वैद्युत बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो उसकी इंटेंसिटी तीव्रता क्या है, पर कितना फोर्स लगेगा, ये सब सारी चीजों को ये बताता है। ठीक है ना, ये परीक्षण आवेश है। अब मान लेते हैं ये वैद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं हमें इसे पॉइंट ए तक लाना है, तो ए तक लाएंगे तो हमें करना क्या होगा? अब आप देख सकते हैं इस पर इधर की ओर एक बल लग रहा है, वो बल क्या लग रहा है, आप F=QE है ना, F=QE इस दिशा में लगेगा, और जब हम इसे इधर में आएंगे तो आप समझ सकते हैं ये धनावेशित है, ये भी धनावेशित है, तो समान आवेश एक दूसरे को परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं, तो इधर आने से इसे क्या करेगा, रोकेगा। अर्थात यदि हम इसको इधर लेके आते हैं तो हमें इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, तो ठीक है ना, इस तरह से इसे धीरे धीरे स्लोली स्लोली बड़े ही प्यार से आराम से लेके आएंगे तो यहाँ ए पर आ जाएगा, लेकिन ए पर आने के पहले हमें
धीरे धीरे पर स्टेप पर हमें इस यज्ञ के अगेंस्ट, इसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। हमें ऐसे लगाएंगे, टुई दे आएगा, सुई दे, टुई दे, सुई दे, टुई दे, सुई दे, धीरे फोर्स लगाएंगे, आगे बढ़ेगा, फोर्स लगाएंगे, आगे बढ़ेगा, फोर्स लगाएंगे, आगे बढ़ेगा, इस तरह से। यानी एफ इंटू एस इज इक्वल टू हो गया वर्क, बल गुणे विस्थापन बराबर क्या हो गया, एफ माने फोर्स, एस मीन्स हमारा डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन बराबर हो गया कार्य, ठीक है ना। तो यहाँ मान लीजिए आ गया, तो अब हमें इसी पर विद्युत, तो यहाँ पर ये कार्य इस बिंदु पर क्या कराएगी, विद्युत विभव कराएगी। सो V इज इक्वल टू हो गया, अब जो कार्य हुआ मान लेते हैं W है, ठीक है ना, पर किया गया कार्य W है। अब ये कार्य किस पर हो रहा है, Q नॉट पर हो गया, Q नॉट, तो ये हो गया हमारा सूत्र, ठीक है ना। अब कार्य का मात्र क्या होता है, जूल, तो जूल रख दिए, और Q नॉट आवेश है, तो आवेश का मात्र क्या होता है, कूलम, कूलम रख दिया, ठीक है। अब चलिए इसकी हम बीमा निकाल देते हैं, तो जब बीमा निकालेंगे, तो बीमा निकालने के लिए W की बीमा, तो W की बीमा W बराबर F, F का होता है M, F का होता है M L 2T to the power minus 2, M L, sorry, M L T inverse 2, और S का हो गया, S का L, तो हमें मिल जाएगा M L 2T to the power minus 2 upon, ये हमारा क्या है, Q है, तो Q बराबर क्या होता है, IT, तो I का मात्रक Q बराबर क्या होता है, I into T, तो I का हमारा होता है एम्पियर, तो A हो गया, और T फॉर टाइम, तो T हो गया, तो हमें मिल गया AT, और जब ये ऊपर जाएगा, तो हमें मिल जाएगा M, L, to the power 2, अब ये नीचे से ऊपर जाएगा, यहाँ 1 है, प्लस है, तो माइनस हो जाएगा, तो t टू दी पावर माइनस 3, और यहाँ भी 1 है ऊपर जाएगा, तो माइनस हो जाएगा a टू दी पावर माइनस 1। तो गाइस ये हो गया मेरा बीमा, ठीक है ना। यह है एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि है, ठीक है। चलिए आप फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा है, नेक्स्ट टॉपिक है विभवांतर, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है विभवांतर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डियर स्टूडेंट्स आप समझ सकते हैं, नाम से ही कुछ अनुमान आप लगा सकते हैं, विभवांतर का मतलब क्या, विभवांतर का मतलब डिफरेंस हो गया। अब डिफरेंस किसका हो गया, पोटेंशियल का, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। विभवांतर काने का मतलब दो बिंदु होंगे, दोनों का अपना विभव होगा, और भी उन विभवों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही हमारा विभवांतर हो जाएगा। तो विभवांतर, विभवांतर है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसको हम समझते हैं विभवांतर के बारे में, ठीक है। देखो विभवांतर, विभवांतर जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे होंगे कि जो विभवांतर हमारा होता है, ठीक है ना, किसी बाह्यकर्ता द्वारा, किसी बाह्यकर्ता द्वारा किसी परीक्षण एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, ठीक है ना। तो चलिए पहले इसको हम लिख लेते हैं, लिखने के बाद फिर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो जो विभवांतर है इसको पहले हम लिख लेते हैं, ठीक, पहले लिख लेते हैं फिर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। किसी किसी बाह्यकर्ता द्वारा, किसी बाह्यकर्ता द्वारा एकांक धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र
में किसी किसी बाहकर्ता द्वारा एकांगधर्मी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ठीक है ना, विभवांतर कहलाता है। मान लीजिए माना बिंदु ए व बी विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं तथा विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं तथा एकांक धन परीक्षण आवेश को बिंदु बी से ए तक ले जाया जाता है जिससे विभव का मान वीबी से वीए हो जाता है। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ये कोई चार्ज बॉडी है, कोई आवेशित पिंड है, इसके कारण से आप समझ रहे हैं इसके चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी बाहर की ओर, जिसके कारण से विद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। तो ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉइंट ए है, यहाँ पर कोई पॉइंट बी है और यहाँ पर मान लेते हैं हमारा क्यू नॉट है परीक्षण आवेश, और इधर की ओर बल लग रही है, बल रेखाएं इधर की ओर गुजर रही है। अब आप जब इसको यहाँ से यहाँ ऐसे आप धीरे धीरे लाएंगे ये परीक्षण आवेश को बीच, तो आप यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें कार्य करना पड़ेगा, तो वो कार्य इस बिंदु बी पर क्या हो जाएगी, बिंदु बी हो जाएगी, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके इसके फर्स्ट हेडिंग में। ठीक है ना, परीक्षण आवेश को जब हम लाते हैं विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक, तो जो कार्य होती है, ठीक है ना, वह उस बिंदु पर किए गए कार्य की मात्रा जो होती है उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाती है। तो वो जब यहाँ आएगा तो वो जो कार्य करना पड़ेगा, जो उस बिंदु पर विद्युत विभव हो जाएगी, तो उसको हम मान लेते हैं वीबी, है ना। तो अब आप देख सकते हैं जब ये यहां से और आगे आएगा, अब हम इसको जब इधर लाते हैं तो हमें F इज इक्वल टू क्यू ई, यह बल, इस बल की दिशा इस तरफ है, और हम जब इसको इधर ले आएंगे, ये भी धनावेशित है, ये भी धनावेशित है, तो परस्पर प्रतिकर्षित करेंगे, ये F इज इक्वल टू क्यू ई जो है यह इसे इधर आने से रोकेगा। तो हमें इसको इधर लाने में इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, अर्थात जैसे जैसे इसको हम इधर ले आएंगे, जैसे जैसे इधर ले आएंगे वैसे वैसे हमें क्या करना पड़ेगा, इस बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, और हमारा जो विद्युत क्षेत्र होगा ज्यादा स्ट्रांग होगा, अर्थात ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, अर्थात जो विभव होगा
ये विभव जो होगा इस विभव से उच्च होगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जो हमारा विभव है अभी निकला है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, तो वी डिपेंड करेगा डब्ल्यू पर। अगर डब्ल्यू बढ़ गया तो विभव घट जाएगा, अगर डब्ल्यू घट गया तो विभव घट जाएगा, और डब्ल्यू डिपेंड करता है एफ इंटू एस पर। अगर एफ बढ़ गया तो जब हम इधर ले आएंगे तो ये जैसे जैसे इसके करीब में आएंगे एफ का मान बढ़ रहा है, तो हमें भी यहां से इसे इधर लाने के लिए हमें फोर्स को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरह कहने का मतलब है, देखिए समझने की बात यह है कि हम जैसे जैसे इसके पास आएंगे, ये वैद्युत बल रेखाएं पास हैं, पास जाने पर वैद्युत बल रेखाएं जो इसमें से निकल रही हैं ये पास पास होंगी, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है ये अधिक होगा तो हमें अधिक कार्य करना पड़ेगा, अर्थात यहाँ का जो विभव इसको हम ये मान लेते हैं यह इसकी अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा। हम मान लेते हैं बी से ए तक लाने में जो हमने कार्य किया वो डब्ल्यू है, तो विभवांतर क्या हो जाएगा? तो अब विभवांतर हमने जो लिखा, ठीक है ना, इन दोनों बीचों के बीच यानी वी ए माइनस वी बी इक्वल टू कार्य डब्ल्यू करना पड़ा, इस पर क्यू नॉट पर, तो हो गया हमारा फाइनली सूत्र, हो गया वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, डब्ल्यू का मात्रक जूल प्रति आवेश का मात्रक कूलम, ठीक है ना। तो ये हो गया बीमा, तो पहले आप निकाल ही चुके हैं। अब इसके बाद में मान लेते हैं कि ये जो बिंदु बी है ये अनंत पर है, कहां अनंत पर, तो अनंत पर जो इसकी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, जो इंटेंसिटी होगी, उसको हम शून्य मान सकते हैं। तो शून्य मानने पर वहां जो विभव होगा उसका भी मान क्या, हम शून्य भी मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनंत पर इसका प्रभाव जितना यहाँ यहाँ है, अनंत पर पता नहीं क्या होगा, बहुत दूर है, हमें तो पता नहीं है, तो ऐसे स्थिति में हम अनंत पर क्या शून्य मान सकते हैं, ठीक है ना। अनंत पर क्या मान सकते हैं? शून्य। अभी हम मान लेते हैं कि पॉइंट वी का अनंत पर, तो ऐसे स्थिति में वी ए माइनस वी ए, यहाँ पहले हम लिख देते हैं, यदि बिंदु बी कहाँ है, अनंत पर है, बिंदु बी कहाँ है, अनंत पर है, ठीक है ना। तो अनंत पर है तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी, और इस बी की जगह पे हम इनफाइनाइट लिख देंगे, इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। अब अनंत पर क्या हमें पता नहीं है, अनंत पर भी हम शून्य मान सकते हैं, तो ये शून्य के बराबर हो जाएगा, हमें मिलेगा वी ए इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है ना, डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट जूल प्रति कूलम, जूल प्रति कूलम। सो ये हो गया मेरा फाइनल, ठीक है ना। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच।